नासरीन सुर फातिहा यानी अलहमद शरीफ की सबसे आखिर वाली आयत यानी गैरिल गैरमूब अल वीन इसमें बहुत से लोग ग़लती करते हैं बल्कि तकरीबन 75 फाइव परसेंट लोग ग़लती करते हैं फ़ौर माना बदल जाता है और जब माना बदल जाएगा तो नमाज़ अदा नहीं होगी आपको वो नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब होगी तो आज जो कुछ मैं आपको बताऊं काफ़ी गौर से सुनिए और ताकि आपकी नमाज सही तरीके से अदा हो सके अल्लामक व वबरकू मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क नासिर सुर फ़ात यानि अलमद शशरीफ़ अलहमदिल्ला रबालमिन ये जो सूरत है ये हर नमाज में पढ़ना वाजिब है नमाज जनाजा के अलावा आप कोई भी नमाज पढ़ो दो रकात पढ़ो तीन रकात पढ़ो चार रकात पढ़ो वितर पढ़ो यहाँ तक कि आप सुन्नत नफिल कोई भी नमाज पढ़ो हर नमाज में आपको सुर फातिहा पढ़ना वाजिब है यानी सुर फातिहा में जो तमाम आयतें हैं उन तमाम आयतों का पढ़ना वाजिब है और सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है अब अगर आप गलती करेंगे तो आपकी नमाज ज़ाहिर सी बात है अदा नहीं होगी अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरी सुर फातिहा में जो गलती होती है उससे हम कैसे बचें तो मुझे बताइए इन शबारक वाली मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा फ़िलहाल आप जो आयत के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनिए आयत क्या है गैरिल अलईम अलैहिम वीन ये आयत है लेकिन लोग क्या करते हैं लोग इस तरह पढ़ते हैं ग़रमकूबी अलैहिम या एक तो ये पढ़ते हैं ग़रमकदूबी यानी वाद को दाल पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं गैरमकजूबी यानी वाद, वाद को जो पढ़ते हैं ठीक एक तो यह हो गया इसी तरह वल को पढ़ते हैं वलदालीन एक दूसरा पढ़ते हैं वलदो लीन यानी पूरा लफ्ज ही बदल देते हैं है वाद लेकिन क्या पढ़ते हैं दाल और मतलब जो याद रखना जो मखरज होता जहां है यानी जहाँ से अल्फाज निकलते हैं जो मखारिज होते हैं उसको उन्हीं की जगह पर जब अदा करोगे तभी आप सही तरीके से कुरान पाक पढ़ पाओगे अब दाल का जो मखरज है या वो का जो मखरज है वो अलग चीज़ है गैरमूब आल विन में द्वा है दोनों जगह दुद है और द्वा कैसे अदा होता है यानी द्वा का मखरज क्या है कनारा जबान जब दाड़ से मिलकर ये दुवा अदा होता है अच्छा कनारा जबान मतलब ये जो अला हिस्सा ऊपर यहाँ दाड़ की तरफ जब मिलता है तो वाद अदा होता है ठीक है अब अगर आप दुद नहीं पढ़ोगे आप दाल पढ़ दोगे या जो पढ़ दोगे तो जाहिर सी बात है फौरन माना बदल जाएगा माना बदल जाएगा यानी जो बात वहां चल रही है वो उससे कुछ और हो जाएगी तो आपकी नमाज में फ़र्क पड़ेगा आपकी नमाज नहीं होगी तो आपको ये नहीं पढ़ना है गैरिल गैरमकदी नहीं पढ़ना है दाल नहीं पढ़ना है आपको वाद पढ़ना है इसी तरह गैरिल गैरलमकजूबी वो नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है सुनो अच्छा कुछ लोग क्या पढ़ते हैं गैरिल मगदूबी पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं तो ये सब गलत है आपको क्या पढ़ना है ठीक है समझ में आ रहा है फिर से रिपीट करता हूँ मगदूबी एक हो गया उसके बाद आपको पढ़ना है वाला वालीन इस तरह आपको पढ़ना है वाला दालीन डाल नहीं पढ़ना है बला ये भी नहीं पढ़ना है ठीक है क्या पढ़ना है वाला थोड़ा कोशिश करोगे तो इन शबारक वाली ज़रूर आ जाएगा अब मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए गैरिल अलैहिम वाला वल ठीक फिर से सुन लीजिए गैरलमकबूब वलिन अच्छा जो आपको वीडियो के स्क्रीन पर दिख रहा है वहां भी देखो उसको भी देखो और समझो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनिए ताकि देख कर और सुनकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए एक आखिरी बार फिर से बोल देता हूँ क्योंकि लोग जो है ज़्यादा जल्दी समझ नहीं पाते इस तरह आपको पढ़ना है ताकि आपकी सुर फातहा की जो आखिरी वाली आयत है वो दुरुस्त हो सके उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आप समझ गए होंगे अगर आप नमाज के अंदर शुरे अखलास यानि अहद पढ़ते हैं या आप इन्ना आतना कलकथर पढ़ते हैं या कुल आउद व फ़लक या कुल आऊद व्बिल नास पढ़ते हैं तो जो लोग इन आयत सूरतों को पढ़ने में ग़लती करते हैं बड़ी बड़ी गलती वो सब मैं निशान लगाकर बाकायदा वीडियो बना चुका हूँ आप मेरे चैनल पर जाइए शिफा नेटवर्क पर जाइए उन वीडियोस को देखिए और अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए तो उम्मीद करता हूँ सारी बात आप समझ गए होंगे फिर भी कोई सवाल है तो पूछना मैं इन जवाब ज़रूर दूंगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही असलम